हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू क्वेश्चन सिंगर। आज हम बनाएंगे ठाकुर जी की मस्तक टोपी। मैंने आगे भी एक टोपी का वीडियो अपलोड किया है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक रह गई है और वीडियो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाया है न्यू डिज़ाइन में। टोपी बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क कॉफी, रेड, ऑरेंज, मस्टर्ड येलो, येलो, गोल्डन मोती और वाइट मोती, नीडल और कॉटन का धागा। अब हम टोपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक गोल्डन मोती लेना है, फिर चार डार्क कॉफी, फिर सात मोती, रेड कलर के सात मोती रेड कलर के, अब तीन ऑरेंज, तीन ऑरेंज, दो मस्टर्ड येलो और एक येलो कलर। अब एक व्हाइट मोती और तीन गोल्डन मोती। गोल्डन मोती चार कॉफी, सात मोती रेड, तीन ऑरेंज, दो मस्टर्ड येलो, एक व्हाइट और तीन मोती गोल्डन। अब तीन मोती छोड़ के यहाँ पे जो ये पहला मोती है व्हाइट, उसमें से नीडल इस तरफ, अब एक येलो, दो मस्टर्ड येलो, तीन ऑरेंज और एक रेड। इस तरह मोती लेने हैं, येलो, दो मस्टर्ड येलो, तीन ऑरेंज और एक रेड मोती। और यहाँ पे ये जो येलो, दो ऑरेंज, तीन मस्टर्ड येलो और एक रेड मोती छोड़ के पहला दूसरा रेड मोती है, उसमें से नीडल, इस तरह। अब पांच मोती रेड, पांच रेड मोती और यहाँ पे ये जो पहला कॉफी है उसमें से नीडल, रेड पांच मोती छोड़ के इस तरह। अब तीन मोती और फिर यहाँ पे इस गोल्डन मोती में से रिटर्न और ये हमारी सेकंड लाइन बनके रेडी हो गई। अब एक गोल्डन मोती और दो डार्क कॉफी और यहाँ पे एक मोती छोड़ के दूसरे मोती में से नीडल,
इस तरह। अब यहाँ पे दो कॉफी और दो रेड मोती और दो मोती छोड़ के तीसरे मोती में से नीडल, दो मोती छोड़ के तीसरे मोती में से अब चार रेड मोती और दो ऑरेंज मोती, छह मोती, चार रेड, दो ऑरेंज। और यहाँ पे ऑरेंज मोती है पहला, उसमें से नीडल, सॉरी लास्ट का ऑरेंज मोती है उसमें से नीडल। अब दो मस्टर्ड येलो और एक येलो, वाइट और तीन गोल्डन। इस तरह दो मस्टर्ड येलो, एक येलो, वाइट और तीन गोल्डन मोती। और अब तीन गोल्डन मोती छोड़ के इस वाइट मोती में से नीडल, व्हाइट मोती में से नीडल। अब एक येलो, दो मस्टर्ड येलो, तीन ऑरेंज और एक रेड मोती। हर बार हमें तीन गोल्डन मोती और व्हाइट मोती में से नीडल लेके फिर येलो, दो मस्टर्ड येलो, तीन ऑरेंज और एक व्हाइट मोती लेना है। और फिर यहाँ पे दो ऑरेंज मोती और एक रेड मोती छोड़ के दूसरा रेड मोती है उसमें से नीडल लेनी है। अब पांच रेड मोती और यहाँ पे ये पहला डार्क चॉकलेटी मोती है उसमें से नीडल। अब तीन कॉफी और यहाँ पे अब एक गोल्डन मोती और दो कॉफी और यहाँ पे रिटर्न। दो कॉफी और दो रेड मोती, चार मोती और यहाँ पे रेड मोती में से नीडल, चार रेड मोती और यहाँ पे दो ऑरेंज मोती और ऑरेंज मोती में से नीडल इस तरफ। अब दो मस्टर्ड येलो, एक येलो, एक वाइट और तीन गोल्डन इस तरह मोती। व्हाइट मोती में से रिटर्न। येलो, दो मस्टर्ड येलो, तीन ऑरेंज और एक ये रेड मोती। यहाँ पे हमें देखना है येलो, दो मस्टर्ड येलो, तीन ऑरेंज और एक रेड मोती लेके दूसरे रेड मोती में से नीडल। यहाँ पे अब आगे हमें देखना है एक दो तीन चार पांच, पांच रेड मोती, पांच रेड मोती और ये पहला कॉफी मोती है उसमें से नीडल इस तरह। अब एक दो और तीन मोती, कॉफी मोती
और यहाँ पे ये जो पहला मोती है उसमें सेनेगल, टन में हमें एक ही मोती लेना है, एक मोती गोल्डन और दो मोती डार्क कॉफी, इस तरह। अब आगे दो कॉफी और दो रेड, और यहाँ पे नीडल। अब चार रेड मोती और दो ऑरेंज मोती, यहाँ पे ऑरेंज मोती में से नीडल। अब दो मस्टर्ड येलो, एक येलो, एक वाइट और दो तीन गोल्डन। और यहाँ पे व्हाइट मोती में से नीडल। अब एक येलो, दो मस्टर्ड येलो और तीन ऑरेंज और एक रेड, इस तरह। और यहाँ पे रेड मोती में से नीडल। अब पांच रेड मोती और यहाँ पे पहला जो डार्क कॉफी है उसमें से नीडल, तीन कॉफी और यहाँ पे पहले मोती में से नीडल। इस तरह हमें आगे तक कंप्लीट करना है। ये हमारी चार लाइन कंप्लीट हुई है। अब हमें और पांच लाइन रेडी करनी है, पांच लाइन और। ये हमारी आठ लाइन कंप्लीट हो गई। ये जीरो नंबर और एक नंबर के लालन जी के लिए है। अगर आपके लालन जी दो नंबर या तीन नंबर के हैं तब आपको ये साइज थोड़ी बड़ी करनी है। ये आठ लाइन है, आपको ऐसे 10 या 12 लाइन बनानी है। अब यहाँ पे एक गोल्डन मोती और दो कॉफी मोती और बीच के मोती में से नीडल। अब दो कॉफी मोती, दो रेड मोती और बीच के मोती में से नीडल, चार रेड मोती, दो ऑरेंज मोती और ऑरेंज मोती में से नीडल, दो मस्टर्ड येलो, एक येलो, वाइट और तीन गोल्डन मोती और वाइट मोती में से नीडल। अब दो मोती, एक येलो, दो मस्टर्ड येलो। और अब हमें यहाँ इस पार्ट को यहाँ पे जॉइंट करना है। ऑरेंज मोती में से नीडल, यहाँ हमारी नीडल यहाँ पे है जो हमने स्टार्टिंग में ली है मोती, उसमें से ऑरेंज मोती में से नीडल, एक येलो और दो मस्टर्ड येलो मोती लेके। अब दो ऑरेंज मोती और दो रेड मोती, चार मोती, दो ऑरेंज मोती और दो रेड मोती, और यहाँ पे एक रेड मोती छोड़ के दूसरे रेड मोती में से नीडल, इस तरह। अब दो रेड मोती और यहाँ पे पांच मोती लिए हमने पहले, उसमें से
बीच का मोती है उसमें से निडल, फिर दो रेड मोती, और यहाँ पे ये जो पहला कॉफी है उसमें से निडल इस तरह। अब एक कॉफी और यहाँ पे बीच के मोती में से निडल, फिर एक मोती और यहाँ पे पहले मोती में से निडल, यहाँ पे जो हमने अभी लाइन बनाई है उसमें से निडल इस तरह। इस तरह हमारी टोपी जॉइंट हो गई। अब हमें यहाँ पे गोल्डन मोती है उसमें से निडल लेनी है, गोल्डन मोती में से निडल, एक गोल्डन मोती और मोती में से निडल, फिर एक गोल्डन मोती और गोल्डन मोती में से निडल। इस तरह हमें सारे मोती में से निडल लेनी है, गोल्डन मोती और गोल्डन मोती में से निडल। एक गोल्डन मोती, इस तरह हमें सारे मोतियों में से निडल लेनी है। अब यहाँ पे ये जो हमने पहला गोल्डन मोती लिया था उसमें से निडल, और अब एक गोल्डन मोती। अब हमने जो अभी गोल्डन मोती लिए उसमें से हमें निडल लेनी है, इस तरह जो हमने अभी गोल्डन मोती लिए बीच बीच में उसमें से निडल। इस तरह सारे मोतियों में से इस तरह एक गोल्डन मोती और एक दो और तीन मोती छोड़ के फिर एक मोती में से निडल। फिर एक गोल्डन मोती, एक दो और तीन मोती छोड़ के गोल्डन मोती में से निडल, फिर एक गोल्डन मोती, यहाँ पे एक दो तीन मोती छोड़ के चौथे गोल्डन मोती में से निडल, फिर एक गोल्डन मोती और एक दो और यहाँ पे तीसरा मोती है उसमें से निडल। इस तरह बीच में हमें चार गोल्डन मोती लेने हैं। अब हमें उन चारों मोतियों में से निडल लेनी है, इस तरह तीन और चार मोती इस तरह। अब आगे एक मोती में से निडल,
अब यहाँ पे एक येलो मोती, मस्टर्ड येलो मोती, ऑरेंज मोती, रेड मोती और कॉफी मोती, इस तरह 5 मोती और 3 गोल्डन मोती। और फिर कॉफी मोती में से नीडल रिटर्न। अब रेड मोती, ऑरेंज, मस्टर्ड येलो और येलो मोती, 4 मोती। और अब हमें यहाँ जो हमने अभी 4 मोती लिए उसमें दूसरे मोती में से निकल इस तरफ, फिर इसी तरह येलो, मस्टर्ड येलो, ऑरेंज, रेड और डार्क, फिर 3 गोल्डन, इस तरह। अब कॉफी मोती में से नीडल, रेड, ऑरेंज, मस्टर्ड येलो और येलो मोती। और यहाँ पे पहला मोती जो हमने लिया था उसमें से निकल, और इसी तरह एक बार और येलो, मस्टर्ड येलो, ऑरेंज, रेड, डार्क, कॉफी, 3 गोल्डन और कॉफी मोती में से नीडल, रेड, ऑरेंज, मस्टर्ड येलो और येलो मोती। और अब यहाँ पे इस तरह यहाँ पे हमारी टोपी बनके रेडी हो गई है। अब हमें धागे को कट करना है। ये हमारे ठाकुर जी की मस्तक टोपी बनके रेडी है। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए अवश्य बनाएं और मुझे कमेंट करें आपको ये टोपी कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।